हाँ मुझे मालूम था राम मंदिर भी बन गया। खुशी हुई? बहुत खुशी हुई, किसको नहीं होगी। 500 साल के बाद राम मंदिर बन रहा है, किसको नहीं होगी खुशी, होनी चाहिए सबको। लेकिन एक है, अभी क्या है, सबको समानता से रहना चाहिए। अभी मंदिर हो गया ना, अभी शांति से रहो सब, सब धर्म वाले लोग। अभी झगड़ना नहीं चाहिए किसी को भी, यही मेरी इच्छा है कि सब एक समान हो, सब हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सब एक समान हो। एकोसी दृष्टासी सर्वत्र, एकोसी दृष्टासी सर्वत्र, मुक्त प्रायोसी सर्वदा। एक दृष्टि से सबको देखो, आप मुक्त हो जाओगे। मैं अलग, वो अलग, तू अलग, मैं अलग, मैं अलग, हम सब एक हैं। एक ही है, एक ही सब कुछ है, एक ही लिबास है, एक ही खान है, एक ही पान है, खान पान सब एक है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गोरे लोगों ने आके वो क्या बोलते हैं, वो लकीर खींची है, हम लोग गधे हैं जो झगड़ रहे हैं। मैं बस बोलूँगी सब एक है, हिंदू मुसलमान सब एक है। और मुझे तो मुसलमान लोगों ने इतना प्यार दिया है कि मुझे कोई दुश्मन दिखता ही नहीं, मुझे सब मेरे अपने लगते हैं। और अपना देश एक सुरक्षित हाथों में है, नरेंद्र मोदी भाई, और क्या चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मुंबई और साफ़ हो जाए, खड्डे वड्डे सब कमाल के खड्डे बाबा, 25 साल के बाद आने के बाद तो ऐसे खड्डे, गाड़ियाँ कैसी चलती यहाँ पे। मैंने शिंदे चीफ, जैसे मैं आई, मैं अभी आपको बोलती हूँ, मुझे हॉरर लगा। आप 25 साल दुबई में रहते हो, इस जगह में रहते हो, आप सडनली मुंबई आते हो तो एकदम मुझे लगा ये कैसा, ये क्या है। लेकिन जब मुझे समझ में आया कि वर्ली उस साइड पे बहुत अच्छा बना है बॉम्बे अपना, ओ लोगों ने काफ़ी, ये चीफ मिनिस्टर जो अभी थे ना शिंदे, एकनाथ शिंदे की बहुत तारीफ ही लोगों ने, बोलते ममता जी इन्होंने तो किया। मैंने कहा अच्छा, इन्होंने तो किया, अच्छा। ही वॉज अ गुड चीफ मिनिस्टर वी हैड फॉर बॉम्बे, ही कुड हैव डन बेटर फॉर दिस अंधेरी ईस्ट, विले पार्ले ईस्ट, ही कुड हैव डन अ बेटर जॉब। बॉलीवुड की एक सफल अभिनेत्री जिन्होंने हिंदी फिल्मों के अलावा कन्नड़, तेलुगु, बांग्ला फिल्मों में भी काम किया, 2001 के बाद एक आखिरी फिल्म की और उसके बाद लापता हो गई। कुछ वर्षों बाद फिर से उनका नाम आया, लेकिन विवादों के साथ। थाने पुलिस के 2000 करोड़ के ड्रग रैकेट मामले में इस अभिनेत्री का नाम सामने आया। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में अभिनेत्री को राहत दी है और कोर्ट केस खारिज हो चुका है। सवाल यह है कि आखिरकार ये अभिनेत्री इतने वर्षों तक कहाँ थी, अब क्या करना चाहती है। 22 साल बाद मुंबई में वापसी हुई है। हमारे साथ है अभिनेत्री ममता कुलकर्णी। ममता जी स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मेरा सबसे पहला सवाल ये कि 2001 में आपने आखिरी फिल्म की, उसके बाद आप इंडस्ट्री से दूर हो गई, मुंबई छोड़कर चली गई, कहाँ थी आप, क्या कर रही थी आप? एक्चुअली 1996 से ही मेरे अंदर एक स्पिरिचुअलिटी का जन्म हुआ। और जैसे एक बोलते हैं ना, एक सीड होती है, एक जैसे एक एप्पल का बीज होता है, फिर वो जाके एप्पल बनता है। तो मेरे अंदर एक जैसे एक बीज ऊपर से ही लेके आई थी मैं जन्म के साथ ही। और 1998 में वो बीज का, जैसे बोलते हैं ना, एक क्या उसको बोलते हैं, एक फर्स्ट प्रॉप अप होता है, वैसे मेरे अंदर एक स्पिरिचुअलिटी ने जन्म लिया। और जैसे मैंने एक किताब लिखी है 2011 में, अगर आप ने देखा होगा ऑनलाइन, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी, मैंने ये बुक लिखी थी 2011 में। और 1972 में जब मेरा जन्म हुआ, तब मेरी दादी बाहर ऐसी लेटी थी, मतलब सो गई थी, और मेरी माँ लेबर के लिए अंदर गई थी। और मेरी माँ को आदि शक्ति ने दृष्टांत दिया, साक्षात्कार हुआ, और कहा कि मैं आ रही हूँ और इस लड़की को मेरा नाम मिलना चाहिए। और मैंने जैसे जन्म लिया तो मेरे बाल गोल्डन कलर के थे, ऑरेंज कलर के थे, और नर्स भी मेरे को देख के बहुत
ताज्जुब हो गई कि ऐसी सुंदर लड़की हो गई, तो उसने पूरे हॉस्पिटल में मेरे को घुमा दिया कि ऐसी लड़की देखी का तुम्हें कोड़े बघितली का अशी मुलगी, यू नो. आणि बट आय वॉज बॉर्न विथ लॉट ऑफ हीट बॉइल्स. जे लहान मुलांना होता, जो बच्चे उनको होते, छोटे छोटे बच्चे उनको बॉइल्स होते. तो अभी माँ बोली क्या करने का, 12 दिन हो गए नेम सेरेमनी है, इसके बॉइल्स नहीं जा रहे. तो फिर मेरा ऐसा पेट नेम रखा, रानी रखा, और सब बिल्डिंग में मुझे रानी रानी रानी, मुझे रानी नाम से ही लोग जानते बिल्डिंग में. और एक महीने के बाद फिर मेरा नेम सेरेमनी हुआ और कान में मेरा नाम पद्मावती रख दिया. तो मेरा एक्चुअल फर्स्ट नेम इज पद्मावती, फर्स्ट नेम इज रानी, बिकॉज माय एंटायर बिल्डिंग वेयर आई एम, मतलब मेरा बचपन गया, मैं खेली और ये सब, तो रानी 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 ऐसा ही है, उनको ममता नहीं मालूम है. और पद्मावती ओनली ओनली फ्यू ऑफ माय रिलेटिव्स नो कि माय रियल नेम एक्चुअल नेम इज पद्मावती. तो ऐसे मेरे तीन नाम है, रानी है, ममता है, पद्मावती है. और आई एम बॉर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली, तो ब्राह्मण लोगों के जो संस्कार होते हैं, तो मेरा जैसे एक बीज होता है ना, तो जिसको बोलते हम लोग दैविक बीज हो या क्या भी हो, तो इट स्टार्ट्स शोइंग इट्स साइन इन द पाळणा, पाळण्यामध्ये त्याचं साइन असतं. आणि ते सो जैसे हमारे समर वेकेशन्स होते थे, तो मेरी मम्मी ने मुझे भागवत गीता क्लासेस में डाल दिया था. फिर गणपति, बिकॉज महाराष्ट्र ब्राह्मण, सो गणपतीचं महाराष्ट्र में बहुत गणपति का होता है. तो मेरी एक टीचर थी और उसने मुझे सिखाया था, प्रणम्य शीर्षा देवम गौरीपुत्रम विनायकम भक्ता वासन स्मरे नित्यम आयु कामार्थ सिद्ध है. और मैं बहुत छोटी थी और मैंने टीचर को बोला इसको कितने बार पढ़ने का होता है, किस कितने बार करने का होता है. बोलते नहीं, ये काम कर तू 5 साल इसको इस स्तोत्रों को, गणपति के स्तोत्रों को आप रोज उठना और बोल देना. मैंने कहा मग का होना, तो ती म्हणते आफ्टर 5 इयर्स यू विल सी गणपति इन युअर ड्रीम्स. आय बिलीव्ह लाईक जसं म्हणतात नाही का लहान मुलाला तुम्ही एक गोष्ट सांगणार. अँड आय स्टार्टेड डुईंग एव्हरी डे विदाउट, आय डिंट नो एनी डेटी एक्सेप्ट फॉर गणपती, ही वॉज माय फर्स्ट डेटी. और मैंने शुरू किया गणपति, प्रणम्य शीर्षा देवम गौरीपुत्रम विनायकम भक्तावासन स्मरे नित्यम आयु कामार्थ सिद्ध हे प्रथमम वक्रतुंडम स एकदंत. आई वुड डू दिस एवरी डे विदाउट फेल, लाइक समबडी इज गिविन मी अ टेबल, 2 2s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6. एंड लिटरली आफ्टर 5 इयर्स आय गॉट गणपती इन माय दृश्यांत. ही गॉट अप अर्ली मॉर्निंग, आय एम इन माय डेज, आणि ही केम अँड ब्लेस्ड मी. सो आय गॉट अप अँड आय सेड थांबा थांबा थांबा, मी माझ्या आई वडिलांना बोलवतो. बोलतो नाही 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 मी आता निघतो, पण एक काम कर उद्यापासून 6:30 उठायचं. तर मी म्हटलं का, तर मला म्हणे 6:30 उठणाऱ्या लोकांना मी त्यांची इच्छा पूर्ण करतो. अँड सिन्स देन आय बिकेम अ डेटी ऑफ व्हॉट इज ए भक्त ऑफ गणपती बाप्पा. त्यांच्याकरता मी लाडू, मी म्हटलं गणपती बाप्पाला काय आवडतं, लाडू आवडतात. तो लाडू मैं इतनी छोटी थी, किसी ने मुझे बताया नहीं उसकी क्या रेसिपी है. एक बार मैंने आजी को देखा कि वो बेसन के लड्डू बना रही है, तो मैंने गरम गरम, मेरी माँ तो अपने ही वर्ल्ड में थी, लेकिन मैंने जाके अकेली खड़े रह के मैंने वो लाडू बनाए और मेरे हाथ जल गए, बिकॉज मुझे किसी ने नहीं बोला कि इसको ठंडा होके फिर उसको यू नो लड्डू बनाते हैं. तो पूरा ये जल गया मेरा हाथ, गरम गरम ऐसा यू नो. तो ऐसा सब शुरुआत हो गई मेरी लाइफ के अंदर, मेरी स्पिरिचुअलिटी के अंदर. इट वॉज फ्रॉम द बर्थ. एंड काफ़ी चीज़ें मेरे साथ हुई बचपन से. और बाय 1996-97 आई मेट माई स्पिरिचुअल गुरु. एंड और उसके साथ ऐसा था कि जब मेरी बॉलीवुड की शूटिंग से होती थी, अभी आप देख रहे हैं ना इस चीज़ को, ये कुछ नई बात नहीं है. मेरा यही सवाल था कि आपके शब्दों में आपका अध्यात्म के प्रति प्रेम झलकता है, लेकिन जो आपका एक नया लुक है ये जो अभी लोग देख रहे हैं, क्योंकि इतने वर्षों तक आपकी तस्वीरें वीडियोस नहीं देखे थे,
आपके माथों पर कुमकुम, गले में गणेश जी की प्रतिमा, फोटो, रुद्राक्ष की माला, भगवा वस्त्र आप हमेशा अपने पास रखती हैं, क्या ये परिवर्तन है? देखिए क्या है, ये जो है ना, मैं बहुत स्पिरिचुअल थी। विदाउट डूइंग एनी पूजा मैं घर से बाहर निकलती नहीं थी, शूटिंग के टाइम पे भी, तब से। और तब से मुझे संकल्प क्या होता है, प्रार्थना क्या करनी है, मुझे पूरी एक किताब गणपति की याद है, बहुत सारे उसके श्लोक मुझे याद है। तो जैसे शूटिंग हम लोग जाते हैं, मैंने काफ़ी 12 साल मैंने बॉलीवुड में किया, तो एक बैग मेरी मेकअप की, एक बैग मेरी ड्रेस की और एक बैग मेरी पूजा की। और मैं हैंड बैग लेके जाती थी किसी भी होटल के रूम में, एक कोना पूरा मेरा पूजा का होता था। तो इट वॉज ऑलवेज धर्म कर्म अर्थ काम मोक्ष, ऑल द फोर वर मूविंग विथ मी। एंड इतने मैंने ट्रैवलिंग की, मेरे 4 पासपोर्ट्स भरे हुए। तो ऐसे अगर मैं एयरपोर्ट पे हम लोग निकलते थे, तो मेरी पहली यात्रा ही मेरी बुक स्टोर पे जाती थी। और इतनी छोटी थी मैं, लाइक 14, 15, 16, लेकिन मेरे हाथ में किताबें होती थी, योगानंद परमहंस, कुंडलिनी जागृत, कुंडलिनी ये, कुंडलिनी वो। अब मैंने सोचती थी इतनी छोटी लड़की ये सब, अब मैं पढ़ रही है 1 घंटे फ्लाइट के अंदर, नाश्ता कम में पढ़ रही हूँ, पढ़ रही हूँ कुंडलिनी, ध्यान, धारणा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा ऐसा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे मेरे गुरु मिल गए खोपोली में, गगनगिरी महाराज करके, वो हठ योगी है, तपस्वी है, महातपस्वी है। वो हिमालय में उन्होंने काफ़ी काफ़ी घोर तपस्या की है, इसको हम लोग ऋषि जैसे साधु हम लोग बोलेंगे, ऐसे तपस्वी। उनकी एक जटा से अगर गुफा, अगर एक बड़े ऐसे पत्थर से अगर बंधी है, तो सिर्फ गुफा से ऐसे उनके एक जटा से ही वो पत्थर हटा सकते थे, ऐसे तपस्वी थे। शेर पे बैठते थे, उनकी एक सोच से बारिश होती थी, मतलब ऐसे तपस्वी थे। तो मेरे फादर ने मुझे कहा देखो ऐसे ऐसे खोपोली में वो आते रहते हैं, ममता तू मिल उनको। तो मिली मैं उनको और उन्होंने मुझे गुरु मंत्र दे दिया। और मालूम नहीं, मैं बैठी थी उनके सामने और मैंने बोला मुझे कुंडलिनी शक्ति जागृत, बिकॉज ये सब किताबें पढ़ी, मुझे क्या मालूम था कि कुंडलिनी शक्ति मतलब मुझे बहुत ज़्यादा तपस्या करनी पड़ेगी उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, ये नहीं मालूम था। मुझे ये लगा कि वो ऐसा कुछ रखेंगे और ऐसा कुछ चमत्कार हो जाएगा। तो उनके जो ये थे, क्या बोलते हैं उनको, फॉलोवर्स उनके, या मेन उनके जो उनको उनकी सेवा करते थे, आशीष महाराज करके थे वहाँ पे। तो मैं और हम दोनों बैठे थे साथ में, सामने सामने। और मैंने उनको बोला, एक दिन महाराज जी नहीं थे, सिर्फ मैं और वो थे, मैंने कहा मेरे आशीष जी मुझे कुंडलिनी शक्ति जागृत करनी है। तो म्हणतात आहो एवढं सोपं नाही आहे ती गोष्ट, इतनी आसान चीज़ नहीं है वो चीज़, उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत कुछ चीज़ छोड़नी पड़ती है। तो मैंने सुना, जैसे उसने मुझे कोई ये दिया कि इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, यू नो। फिर आई डोंट नो, हमारी बात ऐसी चल रही थी और महाराज जी आके बैठ गए झूले पे और ये निकल गए आशीष जी। और वो मेरी, और ऐसा है ना कि जब तक वो देखते नहीं, मैं नहीं जाती थी उनके पास। तो उन्होंने एक लुक दी मेरे को, मैं फट से गई उनके आशीर्वाद लिया उनके पैर को और मैंने बोला महाराज जी मुझे कुंडलिनी शक्ति जागृत करनी है। तो वैसे देखे और उसके पहले मैं उनके पास गई ना, मेरी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, मैंने कहा ये मेरी पिक्चर लग रही है, इसको हिट करो, इसको सुपर हिट करने का, इसको सुपर डुपर हिट करने का। वहाँ साले फट के पड़ ले आओ, ये गुरु वैसे नहीं है, वहाँ के जो घूमते रहते हैं वो, ये हिट करो वो हिट कर सो जिधर सब मेरी। एनीवे फिर आई डोंट नो व्हाट इज टू हैपन, इज टू कम फ्रॉम खोपोली। और सडनली मुझे उनको मिलने की ऐसी तीव्र इच्छा होती थी, तो मैंने कहा आज खोपोली जाने का है महाराज जी के पास। तो 2-3 मेरे सब मेकअप मैन, हेयर ड्रेसर, सब जे आते थे, जिसको आया उसको गाड़ी में लेके, 2 घंटा है महाराष्ट्र के, बॉम्बे से मुंबई से। तो जाके बैठ गई, एक दिन वो और मैं थे, तो मुझे बुलाया उन्होंने, ऐसे देखा मेरी तरफ। तो मैं गई फट से, उन्होंने मुझे एक सुपारी जैसे होता है और एक कान में मंत्र दिया, बस इतना ही किया।
और मुझे कहा कि आज के बाद तुम्हें दुष्यंत होंगे। तो मैंने बोला अरे, मैंने कहा महाराज जी दुष्यंत क्या होता है? बोलते नहीं, यू विल गेट माई मैसेजेस थ्रू द ड्रीम्स। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैं तो घोड़े बेच के सोती हूँ, ड्रीम्स आते नहीं, तो ये कहाँ से आएगा एक एक चीज़ है। मैंने कहा ठीक है। फिर आई डोंट नो वॉट हैपेंड, हिज मंत्र वेंट इन माई दिस, और जैसे मेरा, मैंने कहा कि मेरा जो जन्म हुआ था, मुझे लगा कि ये बॉलीवुड मेरे लिए एक ट्रांजिट पॉइंट है। और मैंने ऐसा ध्यान किया, मुझे मालूम नहीं, नवरात्रि के 9 दिन आते थे, 96, 97, 98, 99। मुझे लगता है कि मेरा कुछ प्री जन्म, काफ़ी जन्मों का मेरा ध्यान तब होगा, क्योंकि फिर मैंने ऐसी चीज़ें की जो मैं भी नहीं बताना चाहती हूँ, ना बताना चाहिए किसी को भी, बिकॉज़ ये बोलते हैं ना, जिसको उस चीज़ में दिलचस्पी हो उसी के सामने ये ज्ञान को उजागर करना चाहिए, बिकॉज़ ये हर एक के बस की बात ही नहीं। अगर मैं बताऊँ मैंने क्या किया, वो तो गिर जाएंगे कि मैंने ऐसी तपस्या 95, 96, 97, 98 में की, और मैं जब उस तपस्या में लीन थी, मुझे हायर स्टेजेस ऑफ ध्यान होते थे, समाधि के होते थे, मतलब एक एक घंटा में चार घंटा पाँच घंटा 96, 97 में मेरी शुरुआत है ध्यान की। लोगों को ध्यान लगता नहीं है। अभी मैंने कुछ लोगों को सुना, वो बोलते 10 मिनट भी बैठ नहीं सकते, 5 मिनट बैठेंगे तो किसी का कोई बुला देता है, कोई ये करता है, कोई वो करता है। तो मैं चार घंटा बैठती थी और एक आसन पे बैठती थी, मुझे नहीं मालूम कैसे होता था, मैं एकदम अंदर उसके अंदर डाइव होती थी मैं। ममता जी, एक सवाल ये है कि लोग आध्यात्म के लिए, तपस्या के लिए, योग के लिए, ध्यान लगाने के लिए तो भारत आ रहे हैं पूरी दुनिया से। भारत में ही इतने स्थान है जहाँ पर लोग जाकर मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तपस्या करते हैं। आप नैरोबी, केन्या, दुबई, यहाँ जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए क्या होता है मालूम है, अभी मैं आपको यही बता रही थी कि मेरा तब बहुत विलक्षण हो रहा था बॉम्बे के अंदर ही, जो मेरे गुरु ने उसका वहाँ बैठे उनको समझ में आई लड़की, और उसने ये भी देखा कि मेरे, बिकॉज आई एम अ सेलिब्रेट, तो एवरी डे मेरे घर में 10 लोग ऐसे ही टपकते थे, कोई मैं इधर से जा रहा, ममता जी आपकी याद आई, थोड़ा स्टोरी कहने का है, मैं ममता जी ऐसे। बट 9 डेज ऑफ नवरात्रि मैंने किसी के नहीं सुने। मैंने अपने सिक्योरिटी जो बैठी थी बाहर, उनको बोला था कि मैं अभी 9 दिन के नवरात्र कर रही हूँ, 9 दिन के नवरात्र में सब फ़ोन मेरे ऑफ होते थे। मैंने अभी ये नहीं बताऊँगी मैंने क्या किया, पर 9 दिन मैंने बोला किसी के फ़ोन नहीं, किसी का ये नहीं। मैं पूरा, मेरा पहले फास्टिंग होती थी, तीव्र फास्टिंग मैंने किया उसी वक्त से। मैं नहीं बताऊँगी मैंने क्या किया, ये ऐसा नहीं कि मैं बताऊंगी तो कोई लेगा नहीं लेगा, लेकिन तीव्र मैंने तपस्या की उस वक्त। और ऐसा हुआ कि मेरे गुरु ने देखा कि मुझे डिस्टर्बेंस बहुत हो रही थी, मुझे कोई ध्यान नहीं करने दे रहा था, मैं वहाँ तक पहुँच गई थी अवस्था में। फिर वापस ऐसा होता था कि मेरी कोई डिज़ाइनर्स आते थे, जैसे 9वें दिन हो गया, 10वें दिन हो गया, डिज़ाइनर मेरा आ गया और मेरे को बोलता था, मम्स व्हाट द हेल आर यू डूइंग, 9 days you are finish, नवरात्रि is finish, come let's go to Taj। मैंने कहा yeah, you're right, yeah, I'm very tired, I used to get very tired because मैंने सब छोड़ दिया था, मैं 9 दिन के लिए अन्न भी नहीं खाती थी उस वक्त। अभी मेरे को सोचिए आप, शुरुआती के तपस्या में मैंने अन्न छोड़ दिया था 9 दिन। और फिर ताज भी गई मैं उसके साथ, उसने बोला लेट्स हैव वन पैग, मैंने कहा ले लो, आई यूज़ टू हैव स्कॉच दैट टाइम, तो उसने स्कॉच लिया, मैंने स्कॉच लिया, एक हो गया, सेकेंड हो गया, मैंने कहा वन सेकेंड, मैंने कहा कवल आई जस्ट कम, आई गो टू वॉशरूम एंड कम। और क्या हो गया, मेरे 9 दिन के तपस्या से 10-15 दिन, बिकॉज मैंने कोई नहीं किया, तो मेरा खूब उग्र तप हुआ था, तो मैं गई वॉशरूम, वॉशरूम में मुझे झुक 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 ऐसा मुझे अनुभव हो गया, और मैं कसम से वहाँ पे नहीं थी,
मुझे मालूम नहीं क्या हो रहा था, सब नॉक कर रहे थे बाहर दरवाज़ा मेरे वॉशरूम का। तो मैंने आई डोंट नो इट मस्ट हैव हैपेंड 20 मिनट्स 40 मिनट्स, तो मैं बाहर आ गई तो वो मेरा डिज़ाइनर था बाहर, बोलता आई ओके, आई सेड हाउ मच टाइम इट हैपेंड, ही सेज ऑलमोस्ट 20-30, वी आर नॉकिंग योर डोर, आई सेड आई एम सॉरी आई डोंट नो समथिंग हैपेंड। तो फिर वापस सेकेंड नवरात्रि हो गई, थर्ड नवरात्रि, गुरु ने मेरा स्थान, और ऐसा भी हुआ कि मेरे जीवन में एक व्यक्ति आ गया 96 में, मिस्टर विकी गोस्वामी। मेरा यही सवाल है, विकी गोस्वामी कौन है, कैसे आपके जीवन में आया, आपके जीवन में वो किरदार क्या है? एक्चुअली ऐसा था कि वो मुझे ढूंढते हुए आ गए, बिकॉज उसने काफ़ी इंडस्ट्री तब तक वहाँ जा चुकी थी, अपनी बॉलीवुड की अर्धी वहाँ पे जा चुके थे, उसके ओपनिंग दुबई में, मतलब उसकी ओपनिंग थी होटल्स की, ये थी एंड यूज टू फ्लैश पीपल कार्स एंड ऑल, एंड काफ़ी लोगों को मैंने उसके फ़ोन भी दिए, और वो लोग तो उसके आवाज़ थी उससे एकदम अरे बॉय विकी बॉय, तो मैंने बोला कौन है, मैंने कहा मैं, अच्छा फिर ऐसा हो गया कि एक नया सेक्रेटरी मेरी लाइफ में आ गया, और उसके संपर्क से एक दिन उसने मुझे फ़ोन दिया, मैंने कहा हु इज़ दिस, तो मुझे बोला ये विकी गोस्वामी, मैंने कहा हु इज़ विकी गोस्वामी, उसने बोला नहीं इतना बड़ा है वो, वहाँ पे उसने होटल्स खोले हैं और उसके गोल्ड माइंस है, उसके प्राइवेट जेट्स है, साउथ अफ्रीका का किंग है, ये है वो है, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा तो ये रोज़ मुझे फ़ोन करता था विकी, आज कल परसों नसों, कोई मुझे बताने को तैयार नहीं वो क्या करता है। एनीवे आधी फौज गई थी, अभी मुझे किसी का नाम नहीं लेने का, ना मैं नाम लूँगी किसी का, बिकॉज आई डोंट बिलीव इट्स राइट, बस यही है कि आई वॉज लास्ट पर्सन टू बी एट हिज थिंग, वो भी मुझे एक महीना उसने फ़ोन किया, लगातार फ़ोन किया, लेफ़्ट राइट, इसके हाथ से उसके हाथ से, कोई उसको स्टार के हाथ से आपसे भाई बात करना चाहता है, मैंने कहा कौन भाई है, एंड ही वॉज वेरी स्वीट टॉकर, वेरी वेरी स्वीट, हाई मॉम हाउ आर यू एवरीथिंग, मैंने कहा ओके, मैंने कहा अरे बहुत अच्छा आदमी यार, अच्छी बात करता है, प्यार से बात करता है। फिर मैं उसको मिलने गई 96 में दुबई में, और मुझे वो अच्छा लगने लगा, फर्स्ट टू मीटिंग में मैंने कहा अच्छा आदमी है बेचारा, गुजराती है, फिर स्वीट टॉकिंग है, मैंने कहा ठीक है वेरी गुड, मैं आ गई और फिर मुझे समझ में आया उसकी शादी हो गई, वो शादीशुदा है, मैंने उठाया फ़ोन, मैंने कहा यू नेवर टोल्ड मी यू मैरिड, यू डोंट नो मॉम्स, यू डोंट नो मैरिड, आई सेड व्हाट द हेल डू यू थिंक यू आर थिंकिंग, आई सेड यू इधर डिसाइड दैट, बिकॉज आई एम नॉट द वन टू रुइन समबडीज फैमिली एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू मैरी अ मैरिड मैन, आई सेड नो, दिस इज आई एम नॉट स्लीपिंग विद माई वाइफ, यस वी आर लिविंग इन वन हाउस बट वी आर सेपरेट दिस, आई सेड फाइन। फिर ऐसा हुआ कि वो किस प्रॉब्लम में आ गया था, वो फिर तो सबके सामने वो प्रॉब्लम आ गया था 96-97 में, ही वॉज टेकन बाय दुबई पुलिस एंड ही वॉज इन्वॉल्व विद सम शेक ऑफ उमालक्वेन का जो रूलर है उसका लड़का, और ये इन्होंने कुछ किया होगा वहाँ पे, वो उसका उमालक्वेन का जो रूलर का जो लड़का है वो भाग गया उस मैटर से, बिकॉज शेक है वो भाग गया, इसको डाल दिया अंदर। Anyway, that I never knew this. And तब तक everybody knew what he's doing. He's उसका सब matter आ गया था कि उसको किसी ने stab किया, उसके closest friend ने, विकी गोस्वामी, ऐसा पूरा Bollywood में हो गया था, सब के पास गए, मैं तो hardly मिली थी उसको, तो मेरे पास आई नहीं कोई, मैंने कहा ठीक है। Then I was busy again with my shooting and everything. And one day he calls me from inside. Hi moms, it's Vicky. I said, Vicky, don't talk to me. I'm not interested to talk to you. I'm told not to talk to you. He says, no. You're getting me wrong. I've been wrongly accused. I have nothing to do with what it is.
mom's, nothing to do with what it is, mom's. I said, fine. I said, what do you want me to do then? I said, no, no, I don't know whether I'll survive. They might, because they kept me in solitary confinement 20 din se. और एक महीने से मैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हूँ. मुझे कोई साइन करने दे रहे पेपर्स को, मैं साइन नहीं करना चाहता. इससे अच्छा मैं मरूँगा, मैं साइन नहीं करूँगा कोई पेपर्स. मैंने कहा क्या पेपर्स है? उन्होंने बोल रहे कि आई शुड एक्सेप्ट बट आई विल नॉट. एंड ही वेंट फॉर सम वाटर फास्ट और समथिंग लाइक दैट फॉर 25 days. मैंने कहा देख विक्स, आई डोंट नो अबाउट यू वेदर यू इनोसेंट, कि आप इनोसेंट है नहीं इनोसेंट है. मैं एक काम करती हूँ, आई गो टू माई गुरु एंड चेक अबाउट यू वेदर यू आर वॉट. मैं रात को गई, मैंने कहा कॉल मी आफ्टर 2 days. और फिर मैं गई मेरे महाराज के पास, ऐसा ऐसा करके. तो मेरे को देख रहे थे ऐसे, फिर वो सोच में पड़ गए. फिर मेरे को बोलता है वो आ जाएगा बाहर, उसको समय है. लेकिन मैंने कहा, लेकिन वो बोल रहा है उसको मारेंगे अंदर, या तो ही विल बी हैंग इफ ही डजंट साइन. से बोलते नहीं. तो बाहर रहना खूब खुशी रहे. मतलब ओके, आई हैव नो प्रॉब्लम्स. देन आई केम बैक, आई सेड विच दिस इज द आंसर. ओके ओके फाइन. गायब झाला तो मीन्स वो गायब हो गया. फिर ऐसा हो गया 98 में. तब तक मेरी बहुत और ज़्यादा मैं ध्यान में गई थी, बहुत ज़्यादा ध्यान कर रही थी मैं. और इधर मेरी माँ चली गई 2001 में मेरी माँ चली गई. और मेरा दिल ही निकल गया बॉलीवुड से. काफ़ी चीज़ें हो गई बॉलीवुड के अंदर भी मेरे साथ. और मैं बहुत ज़्यादा अंदर घुस गई थी. मेरे को सब भौतिक, यू कैन से मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से मेरा सब दिल निकल गया था कम्प्लीटली. विक्की गोस्वामी के साथ में एक्चुअल रिलेशन आपका क्या था? आपने शादी की है, आप सिर्फ रिलेशनशिप में थी, आप सिर्फ साथ रहती थी, रिलेशन क्या था? तो मैं अभी बता रही आपको एक चीज़ क्या हो गया था. फिर तब तक मेरी, जैसे बोला, मेरी तपस्या जा रही थी. इधर मेरे को डिस्टर्बेंसेस लोगों के हो रहे थे. एक दिन मैं और मेरे गुरु ऐसे सामने आमने सामने बैठे थे. और मैंने बोला कि मैं इतना तप कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी ये वीकनेसेस मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है नॉनवेज की. इतना तप करने के बाद भी मुझे कोई बोलता है चल तो नाना करते करते थोड़ा हो ही जाता है. ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे से इतनी उग्र तपस्या होने के बाद भी मेरे से ये कमज़ोरियाँ नहीं जा रही है? तो फिर, और इस वक्त मेरी माँ चली गई थी, तो मैं अकेली हो गई थी पूरी, बिकॉज शी वॉज माई पिलर. और चली गई, इधर इसका फ़ोन आ गया. बोलते मम्स, कैन यू कम टू सी मी वंस. मैं गई उसको मिलने. और मेरे को सब ने बोला मत जाना. मैंने कहा नहीं, दिल का सच्चा लड़का है, मालूम नहीं क्या होगा इसका, सही बोल रहा है गलत बोल रहा है झूठ, लेकिन मैं उसको मिल के आती हूँ एक बार. तो मैं उसको मिलने गई. और एक का 2 महीना हो गया, 2 का 3 महीना हो गया. और उसमें भी मेरा ध्यान चल रहा था. फिर ऐसा लगा मुझे जैसे कि एक मैं नहीं गई, बिकॉज वहाँ पे मेरा पैकअप हो गया. मेरी माँ चली गई, अभी क्या रह गया बॉम्बे के अंदर? सब तो देखा बॉलीवुड में. आई वॉज अ सक्सेसफुल स्टार, आई डन 50 concerts इन द वर्ल्ड. आई वेंट 4 times टू सुल्तान ऑफ ब्रुनाई एज, बिकॉज उसकी डॉटर जो हमीदा है वो मेरी बहुत बड़ी फैन थी. और सब वर्ल्ड टूर्स किए मैंने, आई परफॉर्म इन द बेस्ट. क्या रहे? कुछ भी नहीं रह गया था मेरे, सब देख लिया. मेरे 4 पासपोर्ट्स भरे थे. आई वॉज ऑलवेज पुट इन द एग्जीक्यूटिव फ्लोर्स ऑफ द होटल. आई वॉज गिवन अ शॉफर ड्रिवन लेमोजिन 1 मंथ. तो कुछ रहा नहीं मेरे लिए. तो उधर गई तो मेरा ध्यान लग गया तो उधर ही ध्यान लगा. 2016 का एक प्रकरण तो आपको याद होगा. हाँ. पुलिस ने एक केस बताया 2000 करोड़ के इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट का. इस ड्रग्स रैकेट में अभिनेत्री का नाम आया, अभिनेत्री का नाम ममता कुलकर्णी जी. आपको ये जानकारी कब मिली और इस केस के बारे में आप क्या कहेंगे जिसमें आपका नाम अचानक आया 2000 करोड़ के ड्रग रैकेट? तो ऐसा हुआ क्या कि 2012 में मैंने काफ़ी तप किया. मैंने काफ़ी तप किया. और सो 2012 से मैंने बहुत तप किया, इतना कि मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई थी. 2009-10 में मेरी
इट जस्ट बस्टेड आउट ऑफ माई मूलधारा चक्र, जस्ट बस्टेड आउट एंड आई हैड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस. और आई हैड नो इंटरेस्ट फॉर विकी बिकॉज इतने तप के बाद मैंने बहुत तप किया, बहुत तप किया, उसका एक्सप्लेनेशन ही नहीं कर सकती मैं. अगर मैंने मेरी शुरुआत ही बताई मैं 9 दिन क्या कर रही थी, तो काफ़ी महीने, 6-6 महीने अंदर नहीं खाती थी मैं. मैंने जैन स्टाइल से उग्र तपस्या की मैंने. और फिर मुझे स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट हो गया, आत्मज्ञान जिसको बोलते हैं वो हो गया. और 2012 में कुंभ मेला आ गया था और मैंने एक संकल्प लिया था कि जब तक ये बाहर निकलेगा नहीं मैं बॉम्बे कभी जाऊंगी नहीं. उस संकल्प सिद्धि नहीं, मुझे और तप किया, और ध्यान किया, और तप किया, और भूखी रह गई, और भूखी रह गई, इतनी भूखी रह गई कि जिस दिन वो आया मुझे उसकी इच्छा ही नहीं थी कि उसके साथ जाऊँ मैं, उसके साथ रहूँ मैं. मुझे उस वक्त अगर मैं जाती तो शायद मैं आश्रम खोलती बॉम्बे आती तो. लेकिन 2012 में कुंभ मेला लग गया और ये बाहर निकला, ये सीधा निकल के दुबई से केन्या गया. मैं सीधा कुंभ मेला गई 10 दिन, हरिद्वार अपना अलाहाबाद गई. और 10 दिन ये किया, एक स्पिरिचुअल अनुभव किया मैंने 10 दिन. फिर मैं वापस दुबई गई. आई वॉज इन ड्यूअलिटी बिकॉज व्हेन यू इतना आप अगर घोर तप करते हो कुछ रहता नहीं है, सब खत्म, सब नष्ट हो जाता है आपका. या तो आदमी के साथ रहना भी नष्ट होता है, बाकी वो सब तो रहता ही नहीं कुछ, वो ख़त्म हो जाता है जिसको हम लोग, जिसके लिए हम लोग शादी करते हैं या जिसके लिए, और जिसके लिए मैं इतना प्यार कर रही थी. तो मैंने कहा मैं इसके साथ रह के भी मैं क्या करूँगी, सब मेरा अंदर मर गया था. जैसे शिवा होते हैं ना ध्यान में, समाधि में, मैंने शादी नहीं की उसके साथ. ये निकल के सीधा केन्या गया और मैं ना हाँ हाँ ना के चक्कर में फिर मैं 2014-15 में उसको गई मिलने. बाई 2016 ही हैड ऑलरेडी गॉट कॉट विथ समथिंग एल्स इन केन्या. समझ में, उस वक्त भी मैं उसके साथ नहीं थी जब उसको केन्या में हो गया प्रॉब्लम. मैं दुबई में आई थी मेरे ध्यान तब की जगह पे. और फिर उसको लेके गए अमेरिका में लोग, अमेरिका लेके गए तो मैं वापस दुबई थी तो दुबई में ही रह गए. तो आपका नाम कैसे आ गया 2000 करोड़ के ट्रैक रिकॉर्ड में? सिर्फ आप फेमस सेलिब्रिटी हैं, विक्की गोस्वामी के साथ थी एक वक्त में, इसलिए आपका नाम आया? एक्चुअली ऐसा था कि मुझे उसका कुछ भी मालूम नहीं है, उसकी मीटिंग्स नहीं मालूम है, कौन आए कौन मिलने गए. इसलिए मुझे और भी ज़्यादा तकलीफ इस चीज़ से कि मेरा नाम क्यों इस मैटर में आई क्यों गया, फर्स्ट मेरा क्या लेना देना है. और मुझे कुछ बॉम्बे की पुलिस मुझे बुला रहे थे कि आ जाओ करके, तो मुझे विकी बोल रहा था कि मत जाओ, तुमको तकलीफ देंगे, तुमने कुछ किया नहीं है, तुमको तकलीफ देंगे, तुमको क्या. मैं जाऊंगी, मैंने कुछ किया नहीं तो मुझे बोलने में क्या हर्ज है. बोलते नहीं 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 तुमको, मुझे परेशान करेंगे, तुम मत जाना. नहीं तो मैं किसी से डरती नहीं, बिकॉज आपने कुछ किया नहीं तो डरने की क्या बात हो गई. फिर मेरा नाम डाल दिया कुछ चक्कर के वजह से और फिर मैंने वापस ध्यान किया. अभी उसके लिए किया इस वक्त मैंने अपने लिए तब मैंने इसको तो बाहर निकाला. इसके लिए कोई नहीं चाहता था, उसका रिश्तेदार में से कोई नहीं था कि वो चाहते थे कि ये बाहर निकले. बिकॉज ये जब अंदर था तो बाहर उसकी सब प्रॉपर्टीज पे कोई ना कोई, वो नहीं चाहता कि ये बाहर निकले. तो मैंने उसको बाहर निकाला मेरे तप ध्यान से. और लेकिन जिसको बोलते ना कि आप इच्छा रखते हो कि बाहर 12 साल के बाद मेरा ध्यान ख़त्म होगा, मैं केक खाऊंगी, 12 साल तप करने के बाद केक की इच्छा ही ख़त्म होगी, केक ही नहीं चाहिए मुझे. जिसने पानी, मैंने अभी मैं क्या बोलूँ आपको, 12 साल मैंने, हम लोग बोलते ना 3 पंथ होते, दक्षिण पंथ, वाम पंथ और मध्यम पंथ. तो मेरी शुरुआत हो गई वाम पंथ से, बिकॉज मैं ध्यान भी कर रही थी, मम्स कम लेट्स गो एंड हैव सम व्हिस्की, लेट्स गो, व्हाट मैन यू बोरिंग 9 डेज तप. मैंने कहा ओके फाइन. फिर मैंने जब दुबई में बैठी तो मैंने सब छोड़ दिया, ना दिन देखा ना रात देखा. एक समय ऐसा था कि मैं
अगर सुबह बैठती थी एक आसन पे तो शाम 6 बजे तक मुझे मालूम नहीं, मैं मतलब एक ही आसन पे एक ही इस पे बैठती थी मैं ध्यान लगा के। और बहुत मैंने तप किया, बहुत तप किया। इतने साल बाद अब आप भारत लौटी हैं, आज की स्थिति क्या है? कोर्ट ने आपको राहत दे दी है, कोर्ट ने केस आपका खारिज कर दिया है, ये जानकारी आई तब इसके बाद आपने भारत आने का फैसला किया? भारत क्या खींच कर लाया? मैंने जब मालूम मेरी फर्स्ट इंटरव्यू मैंने एबीपी न्यूज को दी थी जी, और मैंने उस इंटरव्यू में मैंने कहा था कि जब मैं आना चाहूंगी मैं आऊंगी, और ये कोई घमंड की बात नहीं थी, मैंने तब ही ऐसा उग्र किया था कि मुझे इच्छा शक्ति का वरदान ईश्वर ने प्राप्त किया है कि मैं वो मेरी इच्छा पूर्ण कर लेते हैं। ये घमंड की बात होगी कि मैंने इच्छा शक्ति का वरदान प्राप्त किया है, ऐसा मैं तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर मैंने दिल से कोई इच्छा की है तो ईश्वर ने मेरी इच्छा को पूर्ण किया है। इतने साल बाद आप आई हैं, जब पिछली बार आप 2012 में आई थी आप कुंभ के लिए गई थी, इस 2025 में फिर से महाकुंभ लग रहा है, हाँ फिर से जा रही हैं? मैं उसी के लिए तो आई हूँ, मैं उसी के लिए आई हूँ। और आपने कहा ना कि मैं ईश्वर के ऊपर मैंने सब को छोड़ दिया है और मेरे लिए किसी के लिए कोई ग्लानि नहीं है, बिकॉज मुझे लाने वाला भी परमेश्वर है, मुझे ध्यान में बिठाने वाला भी परमेश्वर है, और मुझे और जो चीज़ आप परमेश्वर पे छोड़ते हो वो ही जानता है कि इस मुझ शायद उसका वो और उधर जाना, और मेरा 2016 से 24 तक मेरा ऐसी तपस्या होगी, मेरी ऐसी तपस्या होगी, मैंने भगवती आदिशक्ति और महाकाल को बोला कि मुझे आपके जैसा बनाओ, और मैंने पूरा ब्रह्मांड को हिला दिया था, ऐसा तप मेरे से हुआ और मुझे सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई उस स्थिति में। अभी ममता आपको आप जानते हैं मैं क्या बोल रही हूँ, सिद्ध अवस्था किस चीज़ को कहते हैं आपको मालूम है? सब कुछ त्याग, नहीं नहीं सामाजिक जीवन मोह माया, नहीं 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 वो ध्यान की अवस्था होती है, और वो बहुत कठिन रास्ता होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मूल धारा चक्र से अजना तक, हाँ। वो मेरा 2000 यहाँ तक मेरी कुंडलिनी शक्ति गई थी, लेकिन सिद्ध अवस्था जिसको हम लोग बोलते हैं बीज समाधि और निर्बीजा समाधि होती है, और जिसको हम लोग ओम बोलते हैं वो उकार अकार मकार ये तीन अवस्थाएं समाधि की होती है, उसको भेद के कुंडलिनी शक्ति वो गुणातीता उसको हम लोग बोलते हैं, गुणातीता अवस्था में निर्वकल्प समाधि को प्राप्त होती है। तो ये उकार अकार मकार और वो बिंदु है, वो बिंदु को ही भेदना होता है, और वो बिंदु को भेदने के बाद ही आप सिद्ध हो जाते हैं, और उस सिद्ध अवस्था को मुझे पहुंचाने के लिए मैंने शायद ये हो गया होगा कि मेरा बाकी रह गया 2012 तक, मैंने पूरा अपना सब कुछ फेंक दिया उसके अंदर। आप वापस आई हैं तो आगे भविष्य क्या, या आप ये आध्यात्म में पूरी तरह लीन होने वाली हैं? आप जैसे कह रही हैं कि आप महाकुंभ के लिए आई हूँ, जी जी तो जी भारत में रहने वाली हैं, आध्यात्मिक की तरफ बढ़ेंगी, या फिर एक बार फिर से बॉलीवुड की तरफ भी आप जाएंगी? बिग बॉस वगैरह से भी आपकी चर्चा हो रही थी कि आप शायद बिग बॉस में। नहीं 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 ये सब अभी मेरी कोई इच्छा ही नहीं, वो ख़त्म हो गई, केक की इच्छा ख़त्म हो गई तो बिग बॉस की कैसी रह सकती है? आई मीन जिसके लिए मैंने छोड़ा था कि शायद मैं इसको बाहर निकालूंगी शादी हो जाएगी, तो वही ख़त्म। बॉलीवुड अभी इस सब चीज़ का ना, तो मुझे मेरे अभी सुपरस्टार महादेव है, महाकाली है, नारायण है, और इन सब को मैंने प्रत्यक्ष स्वरूप से देखा है, परिवार के तो ये मेरे प्रत्यक्ष स्वरूप से देखा इनको, तो अभी मेरे सुपरस्टार वो नहीं रहे जो बॉलीवुड के हैं। अच्छा। परिवार के लोगों से आप संपर्क में हैं यहाँ पर? यहाँ से किन दोस्तों के, पुराने दोस्त, पुराने कलाकार साथी, इन लोगों से आप टच में हैं? इनसे कोई बात होती है जब से आप आई मुंबई?
एक्चुअली नहीं, मैं अभी किसी के संपर्क में नहीं हूँ मैं, और देख लेती हूँ, अभी तो इसकी कोई इच्छा नहीं है मेरे अंदर, ना बॉलीवुड में आने की, ना किसी टेलीविजन के इसमें आने की। मैं आई हूँ सिर्फ अपने उस सिद्ध अवस्था को आनंद से जीने के लिए, मुक्त होके जीने के लिए। और एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ मैं, कि मैं एक्चुअली नहीं आना चाहती थी बॉम्बे। मैं इसलिए नहीं आना चाहती थी बॉम्बे की, मैं सोचती थी मैं जाके क्या करूँगी, बिकॉज मैंने सब देखा, सब पॉडकास्ट देखे सब लोगों के, तो मुझे ही नहीं समझ में आ रहा था। मैं ध्यान में जाके महादेव से पूछती थी, आदि शक्ति से, कि मैं जाऊँ करना क्या है, मैं क्या करूँगी जाके, सब लोग अपना अपना ज्ञान दे रहे, कोई इधर का दे रहे, कोई उधर का दे रहे, मैं देख के पक गई, लोग देख के पक गए, अभी सब लोग ध्यान में है, तो मुझे क्या देने का उनको जाके, मुझे उनको और क्या सिखाने का है। लेकिन जो सिद्ध अवस्था मैंने प्राप्त की, उसके अंदर एक ऐसी अवस्था होती है वो, लेकिन वो बहुत कठिन है। मैंने कहा, मैंने आदि शक्ति को ये भी बोला कि मैंने जो तप किया वो कौन करेगा, अभी क्यों करेगा, अभी सब लोग ये इसमें क्यों, फिर मैं क्या जाके उनको दूँ। तो उन्होंने बोला, जो तुमने ज्ञान प्राप्त किया है, नॉट अबाउट मेडिटेशन, एक मिडिल पाथ में आई, जैसे मैंने आपको बोला कि एक वामपंथी और एक दक्षिणापंथी होता है, राइट पाथ। तो मैं पूरा दक्षिणापंथी हो गई, मैंने जैन साथ से साधना की, मैंने गार्लिक नहीं, प्याज नहीं, ये नहीं। फिर ऐसी अवस्था भी आई कुंडलिनी शक्ति के अंदर, ध्यान के अंदर, अवस्था के अंदर इतना होता था कि मेरी पूरी ये ऊर्जा बाहर निकलती। अब मैं उस वक्त नहीं समझ पा रही थी कि महादेव के ऊपर क्यों वो गड़ा पानी का बार बार डालते हैं। मेरा ये पूरा ऐसा था कि अगर आप इसके ऊपर तवा रखते चपाती का, चपाती पक जाती मेरे ऊपर। एक दत्तात्रेय, आपको मालूम है, एक हमारे महाराष्ट्र में एक संत ज्ञानेश्वर होते थे, तो एक बार इनकी चूल नहीं पेट रही थी बहनों की, तो उन्हें अपनी पाट गरम की, बोलते पीठ से। तो ऐसा मेरा हाल था कि मुझे आके मेरे बिल्डिंग में जो एसी वाला था, मैंने कहा आप ऊपर आ जाओगे, मैंने कहा सब उसका ये जो डक्ट है एसी का, वो जाली है, उसको निकाल दो। और वो खड़े नहीं रह पा रहे थे, मेरे को बोलते ममता जी आप इसको खोलने की बोल रहे, हम नहीं खड़े पा रहे। मैंने वो देख रहा है मेरे को, स्वेटिंग हो रही है। तो मैं पूरा बर्फ का ये लेके इधर पकड़ती थी। और मैं अभी क्या बोलूँ आपको, तो भविष्य क्या है, ये मेरा सवाल था। क्या अभी मेरे जैसा आपने बॉलीवुड हो, दोस्त हो, परिवार हो, सबसे आपने नाता खत्म कर लिया है, फिर भविष्य क्या है आपका? नहीं, भविष्य नहीं, बॉलीवुड से तो नाता नहीं है, लेकिन जैसा अभी किसी ने मुझे स्पिरिचुअली, किसी को प्रॉब्लम है मेडिटेशन के अंदर, ध्यान के अंदर, कोई किधर फंसा है, किधर किसी का, आई कैन कम एंड टॉक स्पिरिचुअली, बिकॉज मेरे अंदर कोई ऐसा नहीं है। मेरे आई एम वेरी लिबरल, आई एम वेरी सेक्युलर, इसलिए मैं ये भी पहनती हूँ, इसलिए पहनती हूँ बिकॉज मैं दुबई में तप किया। और 2012 तक तो आई वॉज वेरी नॉर्मल, नॉर्मल मतलब मैं मेट्रो लेती थी, एक बर दुबई में एक मंदिर है, 7 दिन का मैं अपना बेलपत्र तुलसी वुलसी लेके मेट्रो से सीधा आके घर में, फिर 7 दिन में बंद करके दरवाज़ा रखती थी और ध्यान करती थी। मैं 7 दिन तक बाहर नहीं निकलती थी। मैं दुबई में जब आप थी, आप इस तरह से सामान्य सड़कों पर ऐसे चलती थी, मेट्रो में चलती थी, आपको लोग पकड़ पहचानते थे, क्या कहते थे? तो मैं बोलती थी, मैंने बोला क्या पागल हो आप, ममता कुलकर्णी ऐसी सड़क पर चलेगी? नहीं नहीं, यू लुक लाइक, ऐसे नहीं है, रबिश, ऐसा बोलती थी मैं, व्हाट रबिश, ऐसा बोलती थी। तो मैंने 12 साल, अभी मैं क्या बोला आपको, वो विस्तार से नहीं बताऊंगी मैं आपको, लेकिन वो मेरा तब का गया। फिर 2016-17 में, और तब मैंने ये सब नहीं पहनती थी मैं, आई वॉज वेरिंग वेरी नॉर्मल ड्रेसेस ये वो, लेकिन या सॉरी बात बताएं कि आप इतने साल तक बाहर रहे, क्या भारत से टच बना रहा, लोगों से आप बातचीत होती थी, यहाँ क्या हो रहा है देश में, नई सरकार बन रही है, कोई नए प्रधानमंत्री बने 2014 में, नए राज्यों के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा था पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, आपको पता चलता था, आप संपर्क में रहते? हाँ, मुझे मालूम था, राम मंदिर भी बन गया, खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, किसको नहीं होगी, 500 साल के बाद राम मंदिर बन रहा है, किसको नहीं होगी खुशी, होनी चाहिए सबको। आप टीवी पर देख रही थी प्राण प्रतिष्ठा? मैं देख रही थी, अच्छा भी लगा, लेकिन एक है अभी क्या है, सबको समानता से रहना चाहिए जी। अभी मंदिर हो गया ना, अभी शांति से रहो सब लोग, सब धर्म वाले लोग, अभी झगड़ना नहीं चाहिए किसी को भी, यही मेरी इच्छा है।
कि सब एक समान हो, सब हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सब एक समान हो रहना चाहिए। अब तो और मामले इस तरह से आते ही जा रहे हैं, कोई दावा कर रहा है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है यानी इस्लाम मुसलमानों की जमीन है, ये दावा करने की यहाँ पुराना मंदिर था मस्जिद बन गया, अब तो और झगड़े होते जा रहे हैं। एकोसी दृष्टासी सर्वत्र, एकोसी दृष्टासी सर्वत्र, मुक्त प्रायोसी सर्वदा। एक दृष्टि से सबको देखो आप मुक्त हो जाओगे। क्या एको दृष्टासी सर्वत्र मुक्त प्रायोसी सर्वदा। अब आप जब प्रयाग और ये आप मैं अलग वो अलग तू अलग मैं अलग मैं अलग, हम सब एक हैं, एक ही है, एक ही सब कुछ है, एक ही लिबास है, एक ही खान है, एक ही पान है, खान पान सब एक है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए गोरे लोगों ने आके वो क्या बोलते हैं वो लकीर खींची है, हम लोग गधे हैं जो झगड़ रहे हैं। मैं बस बोलूँगी सब एक है, हिंदू मुसलमान सब एक है, और मुझे तो मुसलमान लोगों ने इतना प्यार दिया है कि मुझे कोई दुश्मन दिखता ही नहीं, मुझे सब मेरे अपने लगते हैं। मैं अभी क्या बोला हूँ, मुझे एक एक किस्से, जब मैं दुबई में तप कर रही थी तो लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी शांति दी ना, कि मुझे एक दिन भी किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। अभी जब आप जनवरी में प्रयागराज जाएंगे महाकुंभ में, हाँ, तो पड़ोस के शहर वाराणसी में भी एक वाराणसी शिव कॉरिडोर बन गया है, काशी कॉरिडोर, अयोध्या में राम मंदिर बन गया, तो इन जगहों पर भी जाएंगी आप राम मंदिर? हाँ, मैं सब जगह जाऊंगी, अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता सब जगह जाऊंगी मैं, और अपना देश एक सुरक्षित हाथों में है नरेंद्र मोदी भाई, और क्या चाहिए। नरेंद्र मोदी जी अच्छे लगते हैं आपको, उनके काम को आप बारीकी से देख रही हैं? मतलब सुरक्षित है अपना देश उसके हाथ, उनके हाथ में, थोड़ा बस और क्या है, थोड़ा विकास होना चाहिए और सब, स्पेशली मुंबई का विकास होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। इतने वर्षों तक आप बाहर रहे लेकिन मुंबई से प्यार आपका बना है? हाँ, अभी हाल ही में महाराष्ट्र में भी चुनाव हुए, यहाँ पर बीजेपी शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी का एक बड़ा मैंडेट आया, आपने देखा? हाँ, मैंने देखा। देखते हैं इस बड़ी जीत को। मैं चाहती हूँ कि मुंबई और साफ हो जाए, खड्डे वड्डे सब कमाल के खड्डे, बाबा 25 साल के बाद आने के बाद तो ऐसे खड्डे गाड़ियाँ कैसी चलती यहाँ पे नहीं बट सीरियसली दुबई के शेख जायद रोड और मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का कितना अंतर है? बहुत अंतर है, लेकिन एक है, मैंने शिंदे चीफ, जैसे मैं आई, मैं अभी आपको बोलती हूँ, मुझे हॉरर लगा, आप 25 साल दुबई में रहते हो, इस जगह में रहते हो, आप सडनली मुंबई आते हो तो एकदम मुझे लगा ये कैसा ये क्या है, लेकिन जब मुझे समझ में आया कि वर्ली उस साइड पे बहुत अच्छा बना है बॉम्बे अपना, तो लोगों ने काफ़ी, ये चीफ मिनिस्टर जो अभी थे ना शिंदे, एकनाथ शिंदे की बहुत तारीफ की लोगों ने, बोलते ममता जी इन्होंने तो किया, मैंने कहा अच्छा इन्होंने तो किया, अच्छा ही वॉज अ गुड चीफ मिनिस्टर वी हैड फॉर बॉम्बे, ही कुड हैव डन बेटर फॉर दिस अंधेरी ईस्ट विले पार्ले ईस्ट, ही कुड हैव डन अ बेटर जॉब। अभी लोग बोलते कि ये सब रीडेवलपमेंट में जा रहा है, लेकिन होना चाहिए फटाफट, बहुत अरसे तक फ्लाई ओवर्स ब्रिजेस दिखते मुझे, काफ़ी साल से ऐसे अधूरे काम ऐसे हैं, फिर स्वच्छता, जैसे अभी ये जू बीच है उधर डस्टबिन रखो ना, मैं जू बीच गई परसों और हाथ में मैं 10 मिनट तक मुझे वो भुट्टा लिया था मैंने ड्राइवर को दे दिया, तो क्या करेगा इसका, तो मैंने अपने थैली में डाल दिया, लेकिन बाकी सब लोगों ने फेंक दिया था, किसी ने नारियल का ये फेंक दिया था, डस्टबिन ही नहीं किधर भी, तो एक 3-4 डस्टबिन तो एक अंतराल पर होना चाहिए, तो लोग फेंकेंगे अपने आप, डिसिप्लिन हो जाएगा, फटके लगाओ क्यों नहीं, क्यों फेंक रहे नीचे सब। आपने एक बात तो कही कि अब आपको बॉलीवुड में कोई रुचि नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है, पॉलिटिक्स या समाज सेवा कोई ऑप्शन आपने रखा है कि आप फ्यूचर में पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स से मुझे कोई भी ये नहीं है, मुझे अगर प्रतिक्रिया आप पूछोगे न्यूट्रल, बिकॉज मैं सबसे प्यार करती हूँ, मेरे लिए सब अच्छे हैं, तो पॉलिटिक्स से तो दूर ही रखना पसंद करूँगी मैं, इट्स नॉट दैट वे, इट्स नॉट बैड, वी नीड गुड फेसेस, हम अपने को भी एक अच्छे अच्छे यूथफुल मिलेंगे तो क्यों नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन यू आर इन पॉलिटिक्स यू विल बी नॉट थ्रू, ऐसे ही मैं कर सकती हूँ। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए,
ममता कुलकर्णी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी, बताया कि किस प्रकार से उनके बॉलीवुड के बाद आध्यात्म की जर्नी रही, किस प्रकार से वो मुंबई से मुंबासा, नैरोबी, दुबई पहुंची और अब वापस भारत लौटी हैं। तो बॉलीवुड और राजनीति में तो कोई रुचि नहीं है, लेकिन आध्यात्म के क्षेत्र में वो अपना कार्य करती रही है। कैमरामैन आसिफ खान के साथ संजय सिंह, ABP News, मुंबई। ABP माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।